प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। मोदी का ये फैसला कांग्रेस पर निशाना है। हालांकि पीएम मोदी के इस फैसले से कांग्रेस ऐसी स्थिति में फंस गई है कि वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती। मोदी का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल गांधी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन मीडिया द्वारा इस पर सवाल पूछे जाने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का स्वागत किया। हालांकि पीएम मोदी पर महान हॉकी खिलाड़ी के नाम का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करने का आरोप भी लगा दिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि मोदी के इस फैसले से कांग्रेस को दर्द हुआ है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार अब राजीव गांधी के नाम से नहीं जाना जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है। सुरजेवाला ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का नाम अगर बीजेपी और पीएम मोदी अपने छोटे राजनीतिक मकसदों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा था। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखे जाने का हम स्वागत करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुरजेवाला पीएम के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से सवाल है कि पीएम मोदी ने सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार एक महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है तो ये राजनीति कैसे हुई। राजनीति तो कांग्रेस ने की थी इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखकर, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे। राजीव गांधी एक राजनेता थे, खेल से उनका कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस अगर उस वक्त ही राजनीति न करके सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसी महान खिलाड़ी के नाम पर रखती तो आज शायद पीएम मोदी को ये फैसले नहीं लेने पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।